दोस्तों, जिस चीज का आपको इंतजार था वो यहाँ पे आ चुका है। फॉरेक्स ट्रेडिंग जो हमारी सीरीज है ए टू जेड, वो मैं स्टार्ट कर चुका हूँ। आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा इंट्रोडक्शन कि ट्रेडिंग क्या होती है, कितने टाइप की ट्रेडिंग होती है और फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होती है, किसको ये करनी चाहिए, किसको नहीं करनी चाहिए और कौन कौन से लोग इसको कर सकते हैं, कैसे की जाती है। उसके बाद हम यहाँ पे वन बाय वन करके मैं आपको सारा पढ़ाने वाला हूँ। जिसको कुछ भी नहीं आता है, जिसको थोड़ा बहुत भी आता है लेकिन आप सही से नहीं कर पाते, क्योंकि ये पूरा कोर्स हमारा चलेगा बिल्कुल फ्री में इसी YouTube चैनल के ऊपर। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, सब्सक्राइब कर दो। इसके अलावा अगर आप फॉरेक्स में ऑलरेडी ट्रेड कर रहे हो, आप लॉस कर रहे हो या कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, तो इसके अलावा हमारी बाकी वीडियोज भी चल रही है इसी चैनल के ऊपर, जाके आप देख सकते हो। ये सारी सीरीज आप अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो। जिसको भी फॉरेक्स ट्रेडिंग सीखनी है एकदम, जिसको कुछ भी नहीं आता या थोड़ा बहुत आता है, बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक का, जो मेरा खुद का 4 साल का एक्सपीरियंस है, वो मैं यहाँ पे पूरा डाल दूंगा इसके अंदर, ताकि आप लोग पूरा सही से ट्रेडिंग सीख पाओ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रेडिंग होती क्या है। देखो, बहुत से लोगों को ये कंसेप्ट क्लियर नहीं कि ट्रेडिंग क्या होती है। फ्रेंड देखो, ट्रेडिंग का मतलब होता है ट्रेड। जैसे आप किसी बिजनेस करते हो, आप किसी चीज को बेचते हो या लेते हो, तो उसमें क्या रहता है, आप ट्रेड कर रहे हो। आप सिंपल भाषा में बोलेंगे, हम जैसे मेरे पास एक ये मार्कर है, ठीक है, ये मार्कर है, ये 10 रुपए का भी है और 5 दिन के बाद इसका प्राइस जा रहा है 15 रुपए, तो मैंने बेच दिया इसको, मतलब मैंने किसी को दे दिया 15 रुपए में, मेरा प्रॉफिट रहेगा 5 रुपए। तो मैंने क्या किया, ट्रेड किया मैंने। अब अगले वाले जिसने लिया, उसके पास उसने 15 रुपए का लिया, मान लो इसका प्राइस अभी कम हो गया, इसका प्राइस फिर से 10 रुपए हो गया या प्राइस इसका कम हो गया मार्केट, वो क्या करेगा, बोला यार इसका प्राइस कम हो रहा है, मैं बेच देता हूँ इसको 10 में, चलो 5 का लॉस हो गया। उसने ट्रेड किया, उसने आगे 5 का लॉस कर दिया। और जिसने लिया, मान लो फिर से इसका प्राइस बढ़ गया, ये 20 का चले गया मार्कर, तो उसने बेच दिया, 10 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो किसी भी चीज़ को बाई या सेल करना, जिसको हम सिंपल अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं कि भाई हम बिजनेस कर रहे हैं, किसी चीज़ को बेच रहे हैं, ले रहे हैं, कम में ले रहे हैं, ज़्यादा में बेच रहे हैं, या ज़्यादा में लेके फिर कम में बेच रहे हैं तो लॉस कर रहे हैं। अगर हम किसी चीज़ को 100 में ले रहे हैं, 120 में बेच रहे हैं, तो मतलब हम प्रॉफिट कर रहे हैं, इसको बोलते हैं हम ट्रेड करना। एक अब ट्रेडिंग होती है बहुत टाइप की। जैसे हम बात करेंगे इंडिया के अंदर शेयर मार्केट करते हैं लोग, शेयर मार्केट क्या होता है, जैसे बहुत सारी कंपनियां होती है, बैंक्स होते हैं, जहां पे लोग उनकी जो वैल्यू रहती है बैंक की, मान लो किसी हमारे पास यहां पे कोई बैंक है, कोटक बैंक है, आप कोटक का ले लो, कोटक बैंक है हमारे पास, इसके जो शेयर है, मान लो उसका प्राइस अभी है 100 रुपीज एक शेयर का। अब शेयर क्या होते हैं, देखो कोई भी जो चीज़ रहती है, कोई कंपनी हो, कोई बैंक हो, उसकी मार्केट में जो है वो शेयर डालते हैं, मतलब उसका जो टोटल वर्थ रहता है उसका कुछ परसेंट लोगों को डालते हैं। मान लो इसका जो पूरा वर्थ है कोटक बैंक का, इसका 50% उन्होंने क्या कर दिया, मार्केट में डाल दिया शेयर करके। एक शेयर का प्राइस मान लो रखा उन्होंने 100 रुपीज, इसके मान लो 50 लाख शेयर होंगे, 50 लाख शेयर, ठीक है। तो अब एक शेयर का प्राइस है 100 रुपीज, बहुत से किसी ने 10 शेयर लिए, किसी ने 15 लिए, किसी ने 1000 ले लिए। अब मान लो जिसने जितने शेयर लिए वो उस कोटक का जो बैंक है उसका उतना हिस्सेदार बनता है, मतलब उसका उतना जो 50% ने मार्केट में डाल दिया। अगर इसका मान लो 50% मार्केट में इसके शेयर ने बेच दिए, लोगों ने वो होल्ड कर दिए, तो इसकी जो पूरी वर्थ है कोटक बैंक की, उसका आधा लोगों के पास है, एक्चुअली मालिक वो लोग हैं, क्योंकि उन्होंने इसके शेयर खरीदे हुए हैं। अब मान लो 50% ने डाल दिया, इसमें से किसी एक बंदे ने 25% शेयर खुद ही ले लिए, 25% शेयर उसने इस बैंक के एक बंदे अकेले ने लिए, कोई ऐसा बंदा कोई भी मान लो। और इस कोटक बैंक का जो है 25% मालिक कौन रहेगा, जिसने उस 25% शेयर खरीद लिए। ये होता है शेयर मार्केट। जैसे कोई कंपनी है, बहुत इंडिया में तो आप किसी भी शेयर मार्केट कर, लेकिन मैं हम कर रहे हैं यहाँ पे फॉरेक्स, तो ये मैं आपको सिखा रहा हूँ कि शेयर मार्केट में कैसे करते हैं, शेयर खरीदते हैं, या हम उसमें भी इंटरडे ट्रेड करते हैं, दिन के अंदर हम खरीदते हैं, बाय करते हैं, सेल करते हैं, इसी तरह से हम यहाँ पे वहाँ पे हम इन्वेस्ट करके रखते हैं। तो शेयर मार्केट में आप अलग अलग तरह से इन्वेस्ट करते हो या इंटरडे ट्रेड करते हो, लेकिन फॉरेक्स के अंदर क्या है, अब है फॉरेक्स ट्रेडिंग। फॉरेक्स ट्रेडिंग देखो, ये पूरे ग्लोबली होती है, जितने भी वर्ल्ड वाइड किस में होती है, करेंसी में होती है। करेंसी क्या है, आप कितने लोगों को पता है करेंसी क्या है, अगर आपको नहीं तो कमेंट करो। करेंसी का मतलब होता है किसी भी देश का जो पैसा है उसको, जैसे हमारे देश की कौन सी करेंसी है, इसमें इसको हम क्या बोलते हैं, अब कितने लोगों को पता है INR, हमारे देश की जो करेंसी है वो है INR, जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट फुल फॉर्म में, ठीक है, ये है इंडिया की करेंसी। तो वर्ल्ड वाइड जो हम मार्केट फॉरेक्स में ट्रेड करते हैं वो करते हैं करेंसीज के अंदर, पेयर्स के अंदर करते हैं। अब आपके अंदर एक और डाउट होगा कि इंडिया के अंदर फॉरेक्स ट्रेडिंग लीगल है कि नहीं है, बिल्कुल लीगल है।
अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि हमारे यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी लीगल नहीं है, मतलब जैसे हम बोलते हैं कि हम यूएसडी के जरिए पेमेंट करेंगे, वो सब लीगल इसलिए नहीं है क्योंकि इंडिया गवर्नमेंट को उसमें टैक्स नहीं मिलता। अब इंडिया ने बहुत से ऐप्स को बैन कर दिया है जो लोग उसका एक्सचेंज में यूज़ करते हैं, लेकिन कोई ऐसी भी ऐप है जो लीगल रखी है इंडियन गवर्नमेंट ने जिसके जरिए हम एक्सचेंज कर सकते हैं, हम आगे आपको बताऊंगा मैं कि कौन कौन सी ऐप्स का इस्तेमाल करके आप फॉरेक्स ट्रेडिंग कर सकते हो और कौन कौन से वो पेयर हैं। जैसे मान लो यूरो यूएसडी एक देश की करेंसी है, यूरो एक देश यूरोप की करेंसी है, इसमें हम ट्रेड करते हैं फॉरेक्स के अंदर, गोल्ड में हम ट्रेड करते हैं फॉरेक्स के अंदर, बहुत सारी करेंसी हैं जो हम आगे मैं आपको दिखाऊंगा। अब ये करेंसियां क्या है, इसमें कैसे मतलब प्रॉफिट निकालते हैं। जैसे मान लो हम इंडियन INR के अंदर ट्रेड कर रहे हैं, इसमें या आगे एक रहेगा हमारा बेस, दूसरा रहेगा हमारा क्वाइट करेंसी। अब इंडिया, आपने सुना होगा कि बताते कि इंडिया के अंदर इंडियन रुपीज़ का प्राइस आज कम हो रहा है या बढ़ गया, पहले डॉलर के मुकाबले कितना है हमारा 90 रुपीज़ एक डॉलर के बराबर। तो क्या इसका मतलब क्या है कि हमारे 90 रुपीज़ एक डॉलर के बराबर, कभी बोलते हैं कि 60 का एक डॉलर मिल रहा था, मतलब उस टाइम हमारी जो रुपीस थी वो अच्छी थी, अभी कम हो गई, तो वही जो फ्लक्चुएशन होता है उसको हम बोलते हैं उसके टाइम प्रॉफिट निकालते हैं। जैसे यूरो, यूरो का प्राइस बढ़ रहा है कम हो रहा है, तो ये वर्ल्ड वाइड होता है पूरा, क्योंकि ये करेंसी में जो है पूरा वर्ल्ड में ट्रेड होता है, इसलिए जितना हमारा शेयर मार्केट एक मंथ में होता है ना ट्रेड, उतना फॉरेक्स के अंदर एक घंटे के अंदर उतनी ट्रेडिंग होती है, क्योंकि ये पूरे वर्ल्ड वाइड होता है, तो यहाँ पर फ्लक्चुएशन बहुत होता है, आप इसलिए लाखों रुपए दिन को कमा सकते हो। लेकिन अब आता है कि क्या हर कोई कर सकता है, क्या हर किसी को करना चाहिए। आप लोगों ने यहाँ पे इंस्टा के अंदर, यूट्यूब के अंदर बहुत से रील्स देखे होंगे कि ट्रेडिंग के जरिए ठक 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 दिन में लाखों रुपए करोड़ों रुपए भाई कमा सकते हैं, लेकिन हर कोई नहीं कमा सकता। और हर कोई देखता है इंस्टा के अंदर, फेसबुक के अंदर, वो यहाँ पे आ जाते हैं ट्रेड करने के लिए। ये सबसे बड़ी गलती आप लोग करते हो। अगर आपके अंदर वो जज्बा नहीं है ट्रेडिंग करने का, आपने सीखा नहीं है, आपको लगता है कि मैंने अकाउंट बना लिया, आपने वीडियो देख ली यूट्यूब के ऊपर अकाउंट कैसे बनाते हैं, कैसे स्टार्ट करते हैं, ये ट्रेडिंग का 1% है कि ट्रेडिंग क्या होती है, कैसे अकाउंट बना लिया, कैसे ट्रेड लगाई, वो 1% है, 99% उसके अलावा ट्रेडिंग है। अगर आप ये चीज़ देख के आ रहे हो कि ट्रेडिंग से पैसे हर दिन कमा जा सकते हैं लाखों करोड़ों रुपये, तो मैं गारंटी देता हूँ जितने भी लोग ऐसे आते हैं वो हमेशा ट्रेडिंग में लॉस करते हैं। अगर आते भी है एक दिन, अगर 1,000, 10,000 का 10,000 कमा भी दिया, अगले दिन सारा लॉस हो जाता है। जितने लोग कर रहे होंगे उनको सही से पता है कि यहाँ पे बहुत मुश्किल है प्रॉफिट निकालना, कंटिन्यू प्रॉफिट निकालना मुश्किल नहीं है, प्रॉफिट निकालना इजी है। आप 50,000 के ऊपर दिन का 50,000 भी निकाल सकते हो, लेकिन कंटिन्यू कंसिस्टेंसी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट में बहुत ज़्यादा मूवमेंट रहता है जिसकी वजह से लोगों को आइडिया नहीं होता कि हमें क्या लॉट साइज लेना है। आपको अभी चीज़ें समझ नहीं आ रही कि लॉट क्या होगा, आपको मैं जनरल आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है, हम आगे वन बाय वन करके पढ़ेंगे। पहले आपको चीज़ें समझनी है कि आप क्या ट्रेडिंग के लिए बने हो कि नहीं बने हो। उसके अलावा अगर जो आपका ट्रेडिंग के लिए पैसा है वो आप ये समझ के आ रहे हो कि मैं सीखने के लिए आ रहा हूँ, एक नया बंदा कर है, उसको सबसे पहले उतना पैसा लाना है जो उसको ये लगे कि ये अगर मैं लॉस भी कर दूं तो मेरे फाइनेंशियल, मेरे घर में, मेरे हेल्थ के ऊपर, मेरे किसी चीज़ के कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए, इस हिसाब से ट्रेडिंग करने के लिए अगर आप नए हो। उसके बाद अगर आप थोड़ा बहुत सीख लिया तो ट्रेडिंग करने के लिए आ रहे हो तो ट्रेडिंग एक बिजनेस है, ठीक है, ये गैम्बलिंग नहीं है। इसको अगर आप एक बिजनेस की तरह लोगे तो आप ट्रेडिंग में 100% मेरी गारंटी है आप इसमें सक्सेसफुल हो जाओगे, क्योंकि बिजनेस आपको खोलना होगा तो आप 10,000 से कोई बिजनेस नहीं कर पाओगे, 50,000 से नहीं कर पाओगे, आप 1, 2, 3, 5 अच्छा सा अमाउंट लगाओगे। और उसमें क्या करोगे आप कि मेरे को अगर मैं 5 लाख से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ मान लो ट्रेडिंग, मैं चाहूँगा कि अगर मेरे को इसमें दिन का 2% भी निकले तो मेरा अच्छा प्रॉफिट हो रहा है। अब लोग गलती कहाँ पे करते हैं, ध्यान रखना ये गलती आप भी कर रहे होंगे और जो लोग ऑलरेडी नए हैं उनको ये गलती नहीं करनी है। ये मैं आपको बता रहा हूँ अपना एक्सपीरियंस जो मेरा 4 साल का है। मैंने स्टार्टिंग किया पहले $20 से, फिर मैंने $50 से स्टार्ट किया, फिर 100, इस तरह से 500, कभी 1,000, ये मेरा स्टार्टिंग का रहा। क्या हो रहा था, मैंने $20 लाया, मैंने $20 से $2-4 प्रॉफिट किया, लॉस कर दिया सारा, 50 लाया, एक घंटे के अंदर मैंने $50 का $10 भी प्रॉफिट किया, लॉस फिर कर दिया, $100 के ऊपर मैंने $100 भी कमा दिया एक ही दिन के अंदर। $100 पे $100 कमाया जा सकता है, मैंने कमाया हुआ है, 100 पे 150 भी कमाया है, 200 भी कमाया है, 500 भी निकाला है एक दिन में, प्रूफ है मेरे पास, दिखाऊंगा जिसको देखने का, आप मेरा ग्रुप ज्वाइन करो, मेरे को परचेस करो, वहां पे दिखाऊंगा। स्टार्टिंग में 400 पहले की बात कर रहा हूँ, 100 पे मैंने 500 भी कमाया है एक दिन के अंदर, लेकिन अगले दिन सारा अकाउंट खाली। उसके पीछे रीजन क्या था पता नहीं था, हमको लग रहा था कि अगर मैंने एक दिन इतना कमा लिया
मैं अगले दिन भी इतना कमा सकता हूं, मैं रातों रात करोड़पति बन जाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों ऐसा नहीं? देखो, आपको एक इसमें एक चीज रखनी है ट्रेडिंग के अंदर, कि मैं अगर ट्रेडिंग में हर दिन 5% निकाल रहा हूँ, जो आपका कैपिटल अमाउंट है, जैसे आपका 50,000 है, 1,00,000 है, 10,000 है, जो भी आपका है, उसका आपको फिक्स करना है 5%, जो सबसे सेफ रहेगा दिन का। मैं बोलता हूँ 2% से लेके, अगर आप दिन का 2 से 5% भी कमा रहे हो ट्रेडिंग के अंदर, ये काफी है, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। लेकिन अब मैं खुद आज के टाइम में 10% निकालता हूँ इजली। मेरा टारगेट होता है 10% मैंने निकाल दिया, ट्रेड करो, उसके बाद जहां मार्केट जाए कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं जितने भी लोग नए हैं, मैं आपको बोलूंगा 2 से 5% बस, इतना निकल गया तो आपको ट्रेड नहीं करना है, उसके बाद आप देखो क्या जा रहा है, फिर नेक्स्ट स्टार्ट करो। इसके बाद दूसरी चीज, जैसे आपका 5-6 मंथ स्टार्ट हो जाएगा ट्रेडिंग में, जो ट्रेडिंग करेंगे, पहले मैंने क्या बोला, गैम्बलिंग नहीं है, गैम्बलिंग समझ के नहीं आना। पैसा जो आपके पास लगेगा स्टार्टिंग में, आपका लॉस होगा, फिर जब आप थोड़े ट्रेन हो जाओगे तो आप इसको एज अ बिजनेस लोगे, एज अ गैम्बलिंग नहीं लोगे। उतना पैसा लाओगे जिसका आप 2% या 2 से 5% अगर आप दिन का लेते हो, आप सेटिस्फाई हो जाना चाहिए कि हाँ, मैंने इतना प्रॉफिट, मेरे लिए काफ़ी है, इसके आगे मेरे को नहीं जाना, वहीं पे रुक जाओ। ये आपको कंसिस्टेंसी लानी है। उसके तो इसमें लॉट साइज, आप कितना रिस्क ले रहे हो, आप ट्रेडिंग में कितना रिस्क ले रहे हो। मान लो आपका यहाँ पे जो भी आप जब ट्रेड लेते हो, मान लो उसमें आप अगर आप $1,000 आपका प्रॉफिट है, मतलब आपने जो टारगेट दिया कि मेरा $1,000 अगर नहीं, ₹1,000 अगर मेरा प्रॉफिट हो रहा है, तो अगर मान लो मेरा लॉस होगा तो मुझे कहाँ पे निकल जाना चाहिए? क्या आप पूरा ₹1,000 का रिस्क ले रहे हो ₹1,000 के प्रॉफिट के लिए? ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका अगर ₹1,000 का टारगेट है प्रॉफिट में, तो आपका जो रिस्क है वो 500 का होना चाहिए। इसमें होता है स्टॉप लॉस, ये होता है हमारा टारगेट, टी से इसको बोलते हैं टारगेट पॉइंट या स्टॉप लॉस। जहां पे मान लो आपने बाई या सेल आपने किया, तो आपका टारगेट डबल होना चाहिए, कि जो मेरा टारगेट है वो मेरा 1,000 का है, अगर लॉस जाएगा तो 500 जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप लॉस, आप जो लास्ट लॉस का टारगेट रख रहे हो वो आपका 1,000 का होगा और 500 का ट्रेड क्लोज कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये कुछ टिप्स दे रहा हूं जो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी जनरल वीडियो है, इसमें आप बता रहा हूं मैं कि कैसे कैसे होता है। इसके बाद अकाउंट कैसे बनाना है, कौन कौन सी ऐप्स होंगी, वो हम सारा इस कोर्स के अंदर पढ़ेंगे। आपने पूरा कोर्स देखना है बिल्कुल बिना मिस किए। जहां पे भी आपको डाउट आएगा, नीचे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है, वहां पे ज्वाइन होके मेरे को पर्सनली पूछ सकते हो, नीचे कमेंट कर सकते हो, आपको फुल रिप्लाई दिया जाएगा। बाकी हमारे साथ पहले से ऑलरेडी बहुत से लोग ट्रेड कर रहे हैं, ये हमारा उन लोगों के लिए जो बिल्कुल नए हैं। बहुत से लोग पहले से ट्रेड कर रहे हैं, 2 साल से ट्रेड कर रहे हैं, अकाउंट मैनेजमेंट करवा रहे हैं लोग, VIP ग्रुप में जुड़े हुए हैं, एनालिसिस ले रहे हैं, लेकिन जो लोग नए हैं उनको पहले पूरी सीरीज देखनी है, उस पर आगे बढ़ेंगे हम। और आपको एक और चीज़ का ध्यान रखना, जब आप ट्रेडिंग करते हो आप ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है। जो मैंने आपको पहले ही बोला कि जो आपका प्रॉफिट आ गया, वरना स्टार्टिंग में मैं आपको अपना बता रहा हूँ क्या हो रहा था मेरे साथ। जैसे मैंने मान लो आज मुझे लगा कि मेरा अच्छा दिन हो गया, सुबह मैंने ट्रेड लगाया, अगर मेरा $500 का अकाउंट था, मैंने $50 का प्रॉफिट कर दिया, $50 मतलब वो हो गया मेरा 10% दिन का, जो मेरा कैपिटल है इसका 10% मैंने निकाल दिया। मुझे लग रहा था सुबह या 10 बजे ही मेरा प्रॉफिट हो गया, तो अभी तो इतना दिन पड़ा हुआ है मेरे पास, मैं अभी और ट्रेडिंग करता हूँ, फंस गया मैं वहीं पे, लगा दिया ट्रेड, निकाल दिया थोड़ा प्रॉफिट, और शाम आते आते आपको ये, अगर खुद करोगे, अगर आप ये चीज़ करोगे तो आपको फील होगा, जो मैं बता रहा हूँ, आप अपना अकाउंट खाली भी कर दोगे या लॉस भी 200-300 क्लोज करोगे। ऐसा होता है, जनवन होता है, मेरे साथ हुआ है, बाकी लोग से भी होता है, जिनसे मैं बहुत लोगों से बात की है, और आपके साथ भी होगा अगर आप इन चीज इस चीज़ का ध्यान नहीं रहोगे। अगर आपका मैक्सिमम 10% आ गया दिन का, तो इसके आगे तो आप जाना ही नहीं। 10% दिन का प्रॉफिट आ गया, ट्रेड वहीं पे क्लोज, फिर आपने सुबह 10 मिनट में वो प्रॉफिट आपका आ गया, या आपका 5 मिनट के ही अंदर आ गया, या 2 घंटे के अंदर, या शाम तक आया, अगर आपका इतना आपने प्रॉफिट कर दिया, तो आपको उसके आगे ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद एक और मैं आपको चीज कहना भूल गया कि फॉरेक्स ट्रेडिंग इंडिया में हम कैसे कर सकते हैं, लीगल है कि नहीं है। बिल्कुल, फॉरेक्स ट्रेडिंग लीगल भी है और इनलीगल भी है। इसमें जो हम ब्रोकर यूज करते हैं, ब्रोकर जहां पर हम ट्रेडिंग करते हैं, पैसे ऐड करते हैं, जहां से विड्रॉवल करते हैं, उसको हम बोलते हैं ब्रोकर, बीच वाला बंदा जो आपको ट्रेड करवाता है। जैसे हम बोल लो ना, हम कोई सामान ले रहे हैं, हमें दुबई से कोई सामान मंगवाना है, तो हम डायरेक्ट शॉपकीपर को फोन नहीं करेंगे, उसमें एक बीच वाला होता है जो कॉन्टैक्ट वहां करेगा, वो उधर से करेगा, वो वहां से लाएगा। अब डिपेंड करता है कि वो जो बीच वाला है वो सही बंदा है या वो चोरी से कर रहा है, छुपके कर रहा है कि चोरी से कर रहा है। तो ऐसे से कुछ ब्रोकर हैं जो इलीगली काम कर रहे हैं, जो चोरी से काम कर रहे हैं, आपको क्या करेंगे, बोलेंगे कि हम आपसे चार्जेस बहुत कम लेंगे,
इस तरह की फेसबुक पे ऐड चलती है, आपके यूट्यूब पे हर जगह आप ऐड देखोगे इन ब्रोकर्स की। तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको कौन से ब्रोकर यूज करने हैं जिससे आपके ऊपर कल को कोई प्रॉब्लम ना हो इंडियन बैंक के द्वारा, या आपका बैंक अकाउंट बंद ना हो। तो पूरा हम आपको बिल्कुल सेफली बताएंगे कि कौन कौन से ब्रोकर सेफ हैं, वरना इस टाइम हजारों ब्रोकर है जो आपको बहुत लालच देंगे, हम आपको पूरा 100% बोनस देंगे अगर आप 100 डिपॉजिट कर रहे हो, 100 आपको और देंगे। लेकिन इसमें कभी कभी ऐसा होता है जब आप विड्रॉल करोगे आपको पैसा ही नहीं मिलेगा, आपने प्रॉफिट किया आपको विड्रॉल देंगे ही नहीं, आपको फंसा लेंगे वहां पे, या आपने विड्रॉल किया आपका कहीं से वो ब्लैक मनी आपके अकाउंट में आ गया। तो इन ब्रोकरों के चक्कर में आपको नहीं फंसना है, मैं आपको पूरा गाइड करेंगे कि कौन कौन से ब्रोकर सही है। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग लीगल इंडिया ने नहीं किया, लेकिन जो ब्रोकर है, क्योंकि इंडिया को टैक्स नहीं देते हैं ये फॉरेक्स के अंदर, तो कुछ ब्रोकर है जो आपको लीगली ट्रेड करवाते हैं। कौन कौन से पीयर है वो हम आगे बढ़ने वाले, क्योंकि एकदम से नहीं बढ़ेंगे, पहले हम कुछ ऐप डाउनलोड करेंगे अगली नेक्स्ट वीक के अंदर, कौन कौन सी ऐप्स पे होता है, कैसे होता है, पूरा आपको वन बाय वन करके सिखाएंगे। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग ऑफिशियली लीगल नहीं है, लेकिन जो ऐप है, जो ब्रोकर है, वो अगर सही है आपका तो आप ट्रेडिंग कर सकते हो, क्योंकि वो ब्रोकर वेरीफाइड है। वहां पे आपको अपना पूरा प्रोफाइल, आपका डाटा, आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स वो आपको देने होते हैं, और वहां पे अगर आपका टैक्स वो कटता है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपका जो पैसा वो है वो आपके इंडियन से ही आपके बैंक में आता है, कहीं बाहर से नहीं आता। तो कुछ ब्रोकर ऐसे भी है जो बाहर से अगर आपके अकाउंट पैसा आ गया तो आप वहां पे फंस गए, लेकिन को बहुत से ब्रोकर ऐसे हैं जिन्होंने टाइप अप किया हुआ है इंडिया के अंदर ही बहुत सी कंपनियों से, ताकि आपका पैसा आपके अकाउंट में इंडिया से ही किसी बैंक से आए जो बाहर से ना आए, ताकि आप एकदम सेफ रहो। तो वो हम आगे पढ़ेंगे, आज की वीडियो में हम आपको यहीं पे थैंक यू बोलेंगे। तो वीडियो को आप शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ये पूरा सीरीज देखो। अगर पहली बार आए हो तो सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे ग्रुप को ज्वाइन करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, 10K का हमारा टारगेट है, 10K वो आपके ऊपर है, आप कब पूरा करते हो, तो प्लीज़ 10K हमारा इसी मंथ में होना चाहिए। थैंक यू फ्रेंड।